नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। राम मंदिर निर्माण के साथ किष्किंधा में हनुमत लला की जन्मस्थली पर हनुमान जी की मंदिर के लिए शुरू होगा अभियान। पंपा क्षेत्र से महाशिवरात्रि को निकलेगी रथ यात्रा। 12 वर्ष तक रथ यात्रा के जरिए सनातन धर्मियों को हनुमान मंदिर निर्माण के लिए किया जाएगा जागरूक। 6 महीने से 1 वर्ष की अवधि तक भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में भ्रमण करेगी किष्किंधा रथ यात्रा की टोलियां। हनुमत जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए भगवान राम के आशीर्वाद स्वरूप चरण पादुका लेने किष्किंधा से अयोध्या पहुंचे संत गोविंदानंद सरस्वती। श्री राम जन्मभूमि में चरण पादुका के विधिवत पूजन और प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम लला के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने गोविंदानंद सरस्वती को सौंपी चरण पादुका। वहीं आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया है कि किष्किंधा के पंपा क्षेत्र से 3 वर्ष पूर्व आई थी तरुण राम की। रामलला के नए भवन में होगी स्थापित। 3 साल पहले किष्किंधा के संत गोविंदानंद सरस्वती ने भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की मूर्तियां की थी रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के सुपुर्द। रामलला के नए भवन में स्थापित करने का लिया गया था संकल्प। कहा, किष्किंधा से अयोध्या का टूट संबंध। श्री राम और हनुमान के मिलन स्थल पंपा क्षेत्र में भगवान राम की चरण पादुका होगी स्थापित। हनुमान की जन्मस्थली पंपा क्षेत्र से अयोध्या राम जन्मस्थली पहुंचे संत गोविंदानंद। वहीं संत गोविंदानंद सरस्वती ने राम भक्तों से अपील की है कि दर्शन करने के लिए जो भी भक्त अयोध्या आए वो बिना जूते चप्पल के आए, आकर के दर्शन पूजन करे और शासन से मांग की गई है कि फूल माला चढ़ाने की अनुमति देने की उठाई मांग। संत गोविंदानंद का बयान, भगवान राम ने नंगे पांव किया भ्रमण तो भक्तों को उनके दरबार में नंगे पांव प्रवेश की हो व्यवस्था। श्री रामचंद्र भगवान की कृपा से पंपा क्षेत्र किष्किंधा में जो विराजमान विरूपाक्ष भगवान और महाभागवत भविष्यत ब्रह्म रामदूत हनुमान जी की कृपा से हम सभी लोगों को ऐसे सौभाग्य हैं कि अयोध्या में मंदिर बन रहे हैं। ऐसे ही किष्किंधा में भी हनुमान जन्मस्थली पर मंदिर भी हनुमान जी के लिए परिकल्पना हो रही है। उसके लिए संपूर्ण भारत देश के लिए जो 12 वर्ष के लिए किष्किंधा रथोत्सव भी शुरू होने वाले हैं, वो शंकर भगवान की आज्ञा से, राम भगवान की आज्ञा से शिवरात्रि से ये रथ यात्रा शुरू होने वाले हैं। पंपा क्षेत्र किष्किंधा में हनुमान भगवान के लिए हनुमान जन्मस्थली पर एक भव्य मंदिर निर्माण होने वाले हैं। उसको कार्यक्रम को लेते हुए सभी पूरा जो भारत देश में भक्तादि लोगों की मन में राम भगवान की भक्ति और जागृत करने के लिए साक्षात हनुमान जी का एक भव्य किष्किंधा रथ निर्माण हो गया। उसका सब बन गया अभी 40 लाख से। उसी किष्किंधा यात्रा किष्किंधा से किष्किंधा रथ यात्रा शुरू होने वाले हैं। वो यात्रा आज चालू करने के पहले हम ये सोच रहे हैं कि अयोध्या आए, राम भगवान से प्रार्थना करें और राम भगवान के प्रतिनिधि रूप में अयोध्या आकर ये दिव्य राम पादुका को राम जन्मभूमि से लेके जाए। क्योंकि जब तक राम भगवान की जो आशीर्वाद नहीं मिलते हैं तब तक कोई ये नहीं होने वाले। उसी हम सोचा कि शिवरात्रि से शुरू होगा किष्किंधा रथ यात्रा। अब किसी शिवरात्रि से? इसी शिवरात्रि किष्किंधा से शुरू होगा। पंपा क्षेत्र किष्किंधा हनुमान जन्मस्थली से शुरू होगा। कर्नाटका में 1 वर्ष घूमेगी, केरला में 6 महीने घूमेंगे, तमिलनाडु में 1 वर्ष घूमेंगे। ऐसे पूरा भारत देश में 12 वर्ष तक रथ यात्रा होगा भव्य तरीके से। उस रथ यात्रा में ये राम भगवान की पादुका प्रतिष्ठित करेंगे। एक मिनट, आप प्रश्न पूछ लीजिए। लला के भक्तों को जूता चप्पल ना पहनने के लिए हमारा ये जो सभी लोगों से अनुरोध है, जो भी भक्त राम भगवान के लिए दर्शन के लिए जा रहे हैं और उनसे सनिम्र निवेदन है कि आप जूता चप्पल पहनकर दर्शन के लिए न जाएं। जो जूता चप्पल है बाहरी छोड़ दिया जाए
और प्रशासन से भी ये अनुरोध है जो भक्ताजल लोग जाने वाले लोगों को तीन सुविधा दे दिया जाए, क्योंकि सब लोग चांदनी ईटी नहीं दे सकते हैं, परंतु कुछ भक्ताजल लोग हैं भगवान को फूलमाला चढ़ाना चाहते हैं, ऐसे सुविधा अभी अवश्य ये श्री रामनवमी के पहले ही प्रशासन या ट्रस्ट लोग सोच समझ कर इसका एक विधान बना दिया जाए, क्योंकि जो आम आदमी आता है भगवान के पास एक तुलसी माला लेके जाना चाहता है उस पुण्य से उसको वंचित नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारा अनुरोध है कि भगवान के पास ऐसे जाना है कि नंगे पांव जाना चाहिए, क्योंकि राम भगवान पूरा भारत देश नंगे पांव घुमा, कम से कम तो अयोध्या में भगवान के सामने हम नंगे पांव में जाए। इसीलिए जब राम जन्मभूमि में दर्शन के लिए जाएंगे आपको जूता चप्पल पहनकर मत जाइए, और जो प्रशासन की तरफ से भी ये लोग भक्ताजी लोग थोड़ा एक फूलमाला देकर भगवान को समर्पित करने के लिए अवकाश दीजिए थोड़ा। स्वामी गोविंदानंद जी सरस्वती जी महाराज जो पंपासुर से आ करके और उन्होंने सबसे प्रथम राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी की मूर्ति का भ्रमण कराया, वहाँ से लेकर के अयोध्या तक, उसके बाद सरयू जी में स्नान करा करके उस मूर्ति को आज से 3 साल पहले वह स्थापित कर दिए हैं। जो मूर्ति यहाँ स्थापित है उस समय कोई भी आदेश राम श्री राम मंदिर के संबंध में नहीं हुआ था, लेकिन उनकी भावना रही कि जब भी राम मंदिर बने तो उसमें हमारे यह जो पंपासुर से आई हुई प्रतिमा है इनकी स्थापना की जाए, ऐसी भावना से ले आए यहाँ स्थापित है। और हम जिस समय बुलाए और जब आदेश हो गया, आदेश होने के बाद जब लोग आए तो यहाँ मीडिया वालों को बताया, मीडिया वालों ने इसको चित्र इसको लिया और प्रसारण इसको किया कि एक बालक रूप में भगवान वर्तमान समय में विराजमान है, और वह समय आएगा जब भव्य मंदिर बनेगा तो तरुण राम के रूप से यह स्थापित होगी, जिस मूर्तियों को चित्र दिखाया गया था टीवी में सब। तो इनकी जो उद्देश्य है वो ये है कि भगवान राम के त्रेता युग में जाने के बाद जिस प्रकार से भरत जी ने चरण पादुका ला करके और स्थापित किया यहाँ पर सिंहासन पर, उनकी अयोध्या का देख रेख किया, उसी प्रकार से हम सारे देशवासियों को उसके साथ जोड़ते हुए और इस पादुका को पंपासुर में स्थापित करेंगे जहाँ हनुमान जी का और राम जी का मिलन हुआ था, और जहाँ से ही सीता जी के खोज के उनको सेना मिली, और उसी खोज के माध्यम से माता सीता का पता लगाया और उसके बाद रावण को मार करके उनसे विजय प्राप्त करके और फिर अयोध्या लौट करके आए राज किए। तो ये सारी व्यवस्थाएं सारी जानकारी हो जाए, भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा, लेकिन हनुमान जी का मंदिर जिस रूप से है वो बनवाने के लिए पूरा प्रयास हो रहा है। जैसे भव्य मंदिर भगवान श्री राम का अयोध्या बनेगा, वैसे ही भव्य मंदिर हनुमान जी का पंपासुर में बनेगा जहाँ पर इनका स्थान है, यहाँ आए।